शुक्रवार को जांजगीर जिले में तेज रफ्तार कार ने दो मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली। यहां एक तेज रफ्तार कार ने दो बच्चों को रौंद दिया, इससे दोनों बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार हो गए। रायगढ़ जिले की बरमकेला में स्थित अपेक्स बैंक में शुक्रवार को हादसा हो गया। यहां बैंक भवन के छत से अचानक प्लास्टर गिर गया, इससे कर्मचारी बाल बाल बच गए। हादसे में ब्रांच के लेखा अधिकारी और एक कर्मचारी को मामूली चोटें आई हैं। छत का प्लास्टर गिरने से एसी सहित बैंक का सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। गोरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने मरवाही क्षेत्र के पतौर टोला गांव में दबिश देकर 2 क्विंटल 10 किलो गांजा जब्त किया है। गांजा तस्कर ने इसे अपने पिता की कब्र के पास छिपा कर रखा था। पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में फरार चल रहे 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अंबिकापुर में गांधीनगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित गोदाम में चोरी हुई पिकअप वाहन को बलरामपुर से बरामद करते हुए एक आरोपी देवचंद अगरिया को पकड़ने में गांधीनगर पुलिस ने सफलता हासिल की है। मुंगेली जिले की लोरमी पुलिस ने शुक्रवार को बैंक लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले एक कांग्रेस नेता पप्पू लुनिया को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि उक्त कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की शिकायत के 10 साल बाद हुई है। इस मामले में पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं 10 साल बाद कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। कवर्धा जिले की बोडला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि ट्रक में गांजा लेकर जा रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिर के जरिए मिली थी। वहीं आरोपियों के पास से 44 किलो गांजा बरामद किया गया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। उदयपुर के कदमा पुलिस चौकी क्षेत्र के बांध में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों मासूम शादी समारोह से घर लौट रहे थे। ग्राम जीवलिया की 2 बहनें काव्या तिरकी उम्र 8 साल तथा सुशीला तिरकी उम्र 7 साल परिजनों के साथ 25 मई को शादी समारोह में शामिल होने गांव की करीब बस्ती में गए हुए थे। चोरी की बाइक बेचने के बाद रुपए के बंटवारे को लेकर 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही 2 दोस्तों की गला दबाकर व चाकू घोंपकर हत्या कर दी। एक की लाश घटना स्थल पर छोड़ दी और दूसरे की लाश घटना स्थल से 80 किलोमीटर दूर लाकर महानदी किनारे रेत में दफना दी गई। मामले में धमतरी जिले की सिहावा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में ऑटो से स्कूटी टकरा गई तो स्कूटी सवार युवक गुस्से में तिलमिला उठा। गुस्सा युवक ने ऑटो ड्राइवर पर चाकू से हमला कर घटना के बाद वहां से फरार हो गया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर जिले की बसदेई चौकी पुलिस और थाना भटगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 अलग अलग मामले में 3 लोगों को पकड़कर 1,15,000 रुपए कीमत का 5 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में जमीन की नपाई कर रहे पटवारी के साथ पिछले वर्ष मारपीट कर फरार होने वाले महामन निवासी सूर्य प्रकाश तिवारी और शैलेंद्र तिवारी को तोरबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुकमा जिले में शुक्रवार को 3 माओवादी माड़वी मासा, माड़वी माड़ा और गोंचे देवा ने सरेंडर किया है। इनमें से एक 25 लाख रुपए के हार्डकोर इनामी माओवादी गणेश उइके का गनमैन है। पुलिस इन 3 माओवादियों के सरेंडर को अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। साथ ही 3 नक्सलियों की फाइल भी खंगाली जा रही है। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बसियरा होटल में दबिश देकर होटल संचालक राज भाटिया को शराब बेचते रंगे हाथों पकड़कर घर की तलाशी ली, जहां से 64,000 रुपए कीमत की 11 पेटी अंग्रेजी शराब गोवा जब्त की गई है।
जांजगीर चांपा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक कलयुगी बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार जिले की पल्लारी थाना पुलिस द्वारा निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में शराब कोचियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अवैध रूप से शराब बेचने वाले 4 शराब कोचियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 28,898 रुपए कीमत का कुल 220 पाव अंग्रेजी और देसी मसाला शराब एवं 35 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है। जांजगीर चांपा थाना क्षेत्र के सारदा चौक के पास एक तेज रफ्तार माजदा वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार मां बेटा घायल हो गए। वहीं बाइक में सवार एक अन्य महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद माजदा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। बिलासपुर की रतनपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हाईस्कूल के पास से गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को पकड़कर 14,000 रुपए का गांजा व बाइक को जब्त किया गया है। बलरामपुर जिले की पांगन नदी से बगैर अनुज्ञप्ति के बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन कर भंडारण किए जाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 1,05,000 मीट्रिक टन अवैध रेत जब्त कर ली गई है। विश्रामपुर के मानी क्षेत्र में संचालित अवैध ईंटा भट्टों में कोयला तस्करी बेरोकटोक जारी है। शुक्रवार को भी कोयला खान प्रभावित ग्राम मानी में कोयला खदान से चोरी का कोयला मानी गांव में संचालित अवैध ईंट भट्टों में खुलेआम खरीदी होती रही, इससे पुलिस की कार्यशैली संदिग्ध प्रतीत हो रही है। कोरबा जिले की सीएसीबी चौकी पुलिस क्षेत्र से विद्युत कंपनी के टावर से एंगल काटकर चोरी कर लिया गया, इससे टावर गिरने की संभावना बढ़ गई थी। इस तरह बाइक चोरी की भी शिकायत पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दोनों ही मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर संभाग की आबकारी टीम ने जिला रायगढ़ की देसी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का निरीक्षण कर बरम केला की देसी मदिरा दुकान से 131 पाव कुल 23.58 बल्क लीटर में पानी की मिलावट पाई गई। विदेशी मदिरा दुकान बरम केला की जांच पर 5 बोतल विस्की एवं 192 नग स्पेशल विस्की में पानी की मिलावट होना पाया गया। कवर्धा में दूसरी पत्नी की हत्या के मामले में दोष साबित होने पर आरोपी पति को उम्र कैद हुई है। 1,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। विशेष न्यायाधीश नीता यादव ने आरोपी को सजा सुनाई। मामला सिंघनपुरी जंगल थाना क्षेत्र के ग्राम जरहा नवागांव का है। बालोद विभाग की टीम ने शुक्रवार को निपानी पहुंचकर चंद्राकर आरा मिल में छापा मार कार्रवाई की। इस दौरान मिल के अंदर 5 ट्रैक्टर से अधिक प्रतिबंधित लकड़ी कौवा अर्जुन के गोले जब्त किए गए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में चिरान भी जब्त किया गया। इस संबंध में रेंजर खान ने बताया कि लगभग 5 ट्रैक्टर ट्राली कौवा के गोले यहाँ पर जब्त किए गए हैं। बालोद जिले में चोरा पड़ाव गोटुल मुंडला मुख्य मार्ग ढाबा ने पहले मोटर गैरेज के पास चाकू दिखाकर 5 लोगों से मोबाइल व 1500 रुपए लूट मामले में गिरोह के एक आरोपी सूरज पासवान निवासी वार्ड 10 पुराना बाजार राजहरा को डोंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूट का एक मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त चाकू को जब्त किया गया। गिरोह के 3 आरोपी अभी भी फरार है। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे के आसपास बालोद दुर्ग मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बिजली खंभे से टकराने के बाद बाइक सवार को कुचल दिया। इसमें एक की मौत हो गई। लाटा बोर्ड व टेकरा पार के बीच पेट्रोल पंप से 70 मीटर दूर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार ग्राम सलोनी माहौद निवासी तोमेश कुमार ठाकुर की मौत हो गई। जगदलपुर शहर में मौजूद मुख्यमंत्री को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के वादों को
पूरा करने की मांग के साथ स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन देना चाहा, पर पुलिस ने मुख्यमंत्री के पास पहुंचने के पूर्व ही कोर्ट चेक में ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को रोक लिया। नाबालिग किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कांकेर पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार कर नाबालिग किशोरी को भी बरामद कर लिया है। कांकेर जिले के लोहतर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गया है। कांकेर डाइट में बिजली के लिए सोलर सिस्टम लगा हुआ है। शुक्रवार को यहां लगी एक बैटरी में तेज धमाका हुआ। हादसे में कर्मचारी बाल बाल बचा। बैटरी ब्लास्ट होने से धुआं निकलने लगा जो कमरे में भर गया। डाइट में खलबली मच गई। गरियाबंद जिले के शिक्षक नगर के देवांगन भाइयों पर चाकू से हमला करने के लिए आरोपी नीरज सोनकुंवर की सिटी कोतवाली पुलिस ने रायपुर के बेसन कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। आरोपी एक साल से जगह बदल बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। महासमुंद जिले की पिथौरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बागबहरा की ओर से आ रही सफेद रंग की 709 वाहन को रोककर जांच की। वाहन से 3270 किलो पुरानी साइकिल, टूटी हुई लोहे के टुकड़े, कबाड़ सामान मिला है जिसकी कीमत लगभग 81,000 रुपए का होना पाया गया। पुलिस ने वाहन चालक अमजद खान को गिरफ्तार किया है। जांजगीर जिले के लोगों से अधिक ब्याज देने के नाम पर ठगी करने वाले प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी के मुख्य आरोपी डायरेक्टर संजीव गुहा को जांजगीर कोतवाली पुलिस ने 7 साल बाद गिरफ्तार किया है। अपराध दर्ज होने के बाद से वो फरार था। जसपुर के स्टेट हाईवे लवाकेरा कोतबा रोड पर सराय टोली के पास कोकिया नाला के सकरे पुल पर शुक्रवार को प्याज लेकर रायगढ़ से रांची जा रही एक पिकअप अनियंत्रित होकर पुल से 20 फीट नीचे नाले में जा गिरी। इस दुर्घटना में पिकअप चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ौदाबाजार जिले की भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने ओरिएंटल प्लस फाइनेंस कंपनी का फर्जी एजेंट बनकर लोन दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देकर पैसों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी साहिल बक्स को 1,10,000 रुपए सहित रायपुर से गिरफ्तार किया है। रायपुर वन विभाग एवं वन स्टाफ तिल्दा के टीम ने एनएच रायपुर से बिलासपुर मार्ग पर जियो पेट्रोल पंप के पास एक मेटाडोर से गीली अर्जुन लकड़ी का लट्ठा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धरसीवा के पास एक ट्रक में लोड गीला अर्जुन लकड़ी की अवैध परिवहन कर रही गाड़ियों को मौके से जब्तीनामा बनाकर गाड़ियों को कास्टगार धरसीवा लाया गया। कोरबा जिले की एसईसीएल की कुसमुंडा खदान में बरकोटा फेस से कोयला लोड लेकर कोल स्टॉक की ओर जा रही 60 टन वजनी डंपर रास्ते पर चढ़ाव के पीछे की ओर फिसलते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। इस डंपर को जगन्नाथ नामक एसईसीएल कर्मी चला रहा था। हादसे में वह बाल बाल बच गया।